हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त मनु यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई ये है अपनी TVS Raider 125 Smart X Connect वाली जो नई वाली TFT मीटर के साथ आई है, वो वाली बाइक। अपनी E20 मॉडल है ये बाइक का। तो भाई आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस बाइक की कुछ कमियों के बारे में एंड कुछ इस बाइक की अच्छाइयों के बारे में, मतलब इस बाइक के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं कि इस प्राइस सेगमेंट में या फिर इस CC सेगमेंट में इस बाइक के अंदर क्या कुछ कमियां दी गई हैं एंड क्या कुछ अच्छी चीज़ें दी गई हैं जो किसी दूसरी बाइक में हमें देखने को नहीं मिलती है। तो सबसे पहले तो भाई इसकी जो हेडलाइट है, हेडलाइट का डिज़ाइन बहुत ही अच्छा दिया गया है, जिसके अंदर ये जो DRL हैं, ये DRL इसकी लुक को और ज़्यादा एनहेंस कर देते हैं। तो ये एक मुझे काफ़ी प्लस पॉइंट लगा इस बाइक का। दूसरी बात, बाइक के अंदर TFT मीटर दिया गया है, जिसके अंदर फीचर बहुत सारे भर भर के दिए गए हैं जो इस सी सेगमेंट की किसी भी दूसरी बाइक के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलते हैं। भाई अभी तक तो देखने को किसी बाइक में नहीं मिलते हैं, इन फ्यूचर कभी आएगा तो भाई तब का तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तक अपने को ऐसी कुछ भी चीज़ें किसी दूसरी बाइक में देखने को नहीं मिलती है। इसमें भाई अपने को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ऑप्शन भी मिल जाता है, जो मैं अभी आपको बताना भूल गया था। उसके अलावा अपने को यहाँ पे चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाता है, जो इसकी कॉम्पिटिटर बाइक आती है SP125 उसके अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता है, जो काफ़ी ज़्यादा मिस करता हूँ मैं भी कि यार उस बाइक के अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी। उसके अलावा भाई इंजन वगैरह के बारे में भाई बात ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज इसी CC सेगमेंट की कुछ बाइक्स ऐसी हैं जिसके अंदर इससे भी पावरफुल इंजन अपने को मिल जाता है, मतलब इससे ज़्यादा पावर जो प्रोड्यूस करता है, या फिर कुछ ऐसी बाइक भी है जो थोड़ी कम पावर प्रोड्यूस करती है। तो उस चीज़ को अपन बाई साइड रख देते हैं, अभी उस चीज़ को अपन इस चीज़ में इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब एक बात करते हैं, इसका जो पीछे वाला सस्पेंशन है इस बाइक के अंदर, अपने को मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है, जो इस सेगमेंट में दूसरी बाइक में अपने को देखने को नहीं मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी सही है, मतलब काफ़ी सही तरीके से ये काम करता है, प्रॉपर तरीके से काम करता है, जो अपने को दूसरी बाइक में किसी में इस सेगमेंट की में नहीं मिलता है। उसके अलावा भाई अपने को रियर में भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखने वाली LED टेल लाइट मिल जाती है। ये चीज़ भाई नोटिस करना कि मैं ये कह रहा हूँ, LED टेल लाइट मिल जाती है। टेल लाइट भाई सभी में मिलती है, काफ़ी में अट्रैक्टिव मिलती है, किसी में कैसी मिलती है किसी में कैसी मिलती है, लेकिन इसमें LED टेल लाइट मिल रही है, इस चीज़ को नोटिस ज़रूर कर लेना भाई आप। उसके अलावा जो बाइक का ओवरऑल लुक है, ओवरऑल लुक भाई हमें डेफिनेटली स्पोर्टी वाली फील करवाता है। तो ये सब हो गए इस बाइक के प्लस पॉइंट कि इस बाइक के अंदर क्या क्या अच्छाई दी गई है। अब ऐसा नहीं है कि भाई बाइक के अंदर सिर्फ अच्छाई दी गई हो, बाइक के अंदर कोई कमी ना छोड़ी गई हो। तो अब अगर हम कमी के बारे में बात करें तो भाई फ्रंट से भाई यहाँ तक कि हमें कोई भी कमी फील नहीं होगी, लेकिन अगर हम इंजन के ऊपर चले जाते हैं तो भाई इसके इंजन में थोड़ी सी मतलब रिफाइनमेंट को और अच्छा कर दिया जाता और बढ़ा दिया जाता तो शायद ज़्यादा बेटर होने वाला था। जो इसकी मोस्ट कॉम्पिटिटर बाइक है उसके अंदर इससे काफ़ी ज़्यादा रिफाइन इंजन हमें देखने को मिल जाता है। उसके अलावा भाई जो गियर शिफ्टिंग है, गियर शिफ्टिंग इसकी पहले भी हार्ड थी, गियर शिफ्टिंग इसकी आज भी हार्ड है। जो मैंने आपको पहले जो पुरानी वाली मॉडल थी हमारी TVS Raider, उसमें बताया था कि गियर शिफ्टिंग थोड़ी सी हार्ड फील होती है मुझे, तो वैसा ही भाई अभी भी इस बाइक के अंदर हमें दिया गया है, मतलब गियर शिफ्टिंग को थोड़ा सा स्मूथ अभी भी नहीं किया गया है। तो ये भी इस बाइक का एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। उसके अलावा एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो हमेशा से इस बाइक का रहा है वो इस है इसकी चेन, एंड आप उसको एक बार भाई बहुत अच्छे से देख सकते हो कि क्या हालत हो रखी है चेन की, मतलब यार मिट्टी में चल चल के। तो शायद अगर ये पूरे तरीके से कवर होता तो ऐसा प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम का हमें सामना नहीं करना पड़ता अगर इसको पूरे को कवर करके रखा गया होता। तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट डेफिनेटली भाई इस चीज़ को लेके बढ़ने वाली है। उसके अलावा भाई एक चीज़ के बारे में मैं आपको और बता दूँ कि बाइक के यार ये वाले जो पैनल हैं इनकी क्वालिटी अभी तक भाई बिल्कुल बाइक नई है, बाइक 600 किलोमीटर चली है सिर्फ, लेकिन इन फ्यूचर भाई कहीं ना कहीं इसके ये जो पैनल्स हैं, इन पैनल्स के बीच में गैप बढ़ सकता है, बिकॉज हमारी वाली Raider में भी इसके बीच में गैप बढ़ गया था, तो हो सकता है इस वाली के अंदर भी गैप बढ़ जाए। एंड उसके अलावा भाई इस बाइक की जो ब्रेकिंग है, ब्रेकिंग के बारे में मैं आपको बताऊँ कि सामने भाई अपने को डिस्क मिल जाता है, पीछे अपने को ड्रम वेरिएंट मतलब पीछे की साइड में अपने को ड्रम ब्रेक मिलता है, लेकिन यार जब हम इस बाइक को लगभग 70 या 80 की स्पीड में चला रहे होते हैं एंड ब्रेक यूज़ करते हैं तो ये बाइक स्किड करती है। तो वो स्किड क्यों करती है भाई, टायर की क्वालिटी में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है शायद इस कारण से बाइक स्किड करती है, बिकॉज इस बाइक में वेट भी इतना कम नहीं है कि भाई बाइक का वेट बहुत ज़्यादा कम है इस कारण से स्किड करती हो। तो ये स्किड वाली प्रॉब्लम भी यार पता नहीं भाई इस बाइक की कब सॉल्व होने वाली है। उसके अलावा यार बाइक में कुछ भी ऐसे पॉइंट नहीं है जिनको हम इस वीडियो में कवर कर सके कि बाइक क्या चीज़ की ख़राबी दी गई है, क्या चीज़ की अच्छाई दी गई है। जो दो चार अच्छे पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, जो ख़राब पॉइंट थे इस CC सेगमेंट में इसकी कॉम्पिटिटर बाइक्स के कंपैरिजन में वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो भाई अब आप कौन सी बाइक परचेज़ करने का प्लान करोगे, ये वाली या फिर इसकी ही कॉम्पिटिटर किसी दूसरी बाइक को, वो चीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। एंड ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लेना, अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।